नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन और अन्य फैक्ट्स पर है। क्योंकि हम लोग परीक्षा से जुड़े हुए हैं, परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा टारगेट ये है कि जो वर्तमान समय में संकट है उसी से संबंधित फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपके सामने लाना, कलेक्ट करना, कंपाइल करना, जिससे परीक्षा में इससे यदि सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने सवालों को हल कर सकें। बेसिकली कोविड-19 के फैलने और डिटेक्ट होने के बाद पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक इसके वैक्सीन को खोजने की दिशा में जो लग गए थे, और काफ़ी लंबे प्रयास के बाद जो है इसके वैक्सीन की जो खोज की जा चुकी है, यद्यप अभी भी दवाओं की खोज नहीं की गई है कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 अगर डिटेक्ट होता है तो हम कोई दवा या कोई इंजेक्शन दें जिससे वो तत्काल सही हो जाए। हम केवल उसके लक्षणों का ही अभी इलाज कर रहे हैं, और उससे बचने के लिए हमने जो अभी तक बेहतर दिशा में प्रयास किया और उसका परिणाम मिला है वो है वैक्सीन के रूप में, कि हम लोगों ने वैक्सीन को खोजने में जो है सफलता प्राप्त की है। तो अब तक अगर इंडिया के स्तर पर देखा जाए तो तीन प्रकार के वैक्सीन हैं जो यहाँ पे प्रचलन में है। तो बेसिकली हम इन तीनों ही वैक्सीन से रिलेटेड जो भी डेवलपर हैं, जो उसका इफेक्टिवनेस है, उसके डोजेज हैं किस तरीके से, और यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। कई बार यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। बेसिकली अगर इसके हम फैक्ट और फिगर्स से परिचित होंगे तो निश्चित तौर पर अगर मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों को हम हल करने में मदद कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आइए हम लोग एक एक करके जो है तीनों के लक्षण और तीनों से संबंधित डेवलपर और सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और तीसरी जो अभी हाल में विकसित की गई है वो है स्पुतनिक। स्पुतनिक जैसा कि नाम से ही देखने पर लग रहा है कि ये रूस से जो है विकसित किया गया है, और भारत में रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा इसको जो है विकसित किया जा रहा है, यानी कि इसकी डेवलपर जो कंपनी है वो रेड्डी लेबोरेटरीज है और रूस के द्वारा जो इसको विकसित किया गया है। दूसरी वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड है। हम कोविशील्ड को अगर देखते हैं तो ये एस्ट्रोजेनिका कंपनी के द्वारा जो विकसित किया गया है, अगर दुनिया के लेवल पर इसको देखा जाए तो कोविशील्ड जो है वो एस्ट्रोजेनिका कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया है, और भारत में जो है अगर देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो विकसित किया जा रहा है। यानी कि डेवलपर के बारे में अगर देखा जाए तो स्पुतनिक 5 जो है वो रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित की जा रही है, जबकि कोविशील्ड जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसी तरीके से डेवलपर कंपनी अगर कोवैक्सीन की भारत बात किया जाए तो कोवैक्सीन भारत में भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा जो है इसको विकसित किया जा रहा है, आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। यहां पर एक चीज ध्यान आप लोग दीजिए कि ये दोनों ही कंपनियां भारत की, अर्थात ये वैक्सीन जो है भारत में इसके लक्षण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जो है विकसित किया गया है। तो ये रही जो है तीनों ही वैक्सीन के जो है डेवलपर के बारे में जो फैक्ट है जो परीक्षा उपयोगी भी है, आ भी सकता है। इसी तरीके से अगर हम वैक्सीन के टाइप की बात करें इन तीनों की जो है, तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 इनएक्टिवेटेड टाइप की जो है वैक्सीन है, और ये जो है वायरल वेक्टर है। ये जो है कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड टाइप की जो है वैक्सीन है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जो है तीनों ही वैक्सीन के बारे में पता चलता है कि वायरल वेक्टर टाइप की है, ये इनएक्टिवेटेड टाइप की है, और स्पुतनिक 5 जो है ये भी वायरल वेक्टर टाइप की है। अगर हम इसके इफेक्टिवनेस को देखें तो कोवैक्सीन जो है ये इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 70% के आसपास है। हम कोवैक्सीन जो है 78% के आसपास है। इसी तरीके से जो है स्पुतनिक जो है ये 92% की आसपास है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे इम्यून सिस्टम को उसे लड़ने के लिए इतनी क्षमता विकसित करने में ये वैक्सीन सफल है। इससे हम अपने जीवन को इससे लड़ने में जो है बचा सकते हैं। यद्यपि इन वैक्सीन के बारे में काफी कुछ
रूमर और काफी कुछ जो है बातें विभिन्न प्रकार के चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आती रही है, लेकिन इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जिनके शारीरिक सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, किसी प्रकार के जो है केमिकल पर, किसी प्रकार के दवा पर, किसी प्रकार के इंजेक्शन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों ही वैक्सीन पर्याप्त जो है रिसर्च पर्याप्त ट्रायल के बाद इसको फाइनलाइज किया गया है, उसके स्टेजेस होते हैं बाकायदा, उसके बाद इसको फाइनलाइज किया गया है और संबंधित देश के द्वारा वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि उसकी टॉप इंस्टीट्यूट होती है उसके द्वारा इसको रिकमेंड की जाती है, इसको जो है अप्रूवल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन वैक्सीन के बारे में जो भी बातें फैली हैं वो निराधार हैं और इनका जो है इन वैक्सीन को लगवाने के बाद आपके शरीर में इतनी इम्यूनिटी बढ़ती है कि आप आने वाले समय में इनसे जो है लड़ने में अपने आप को सक्षम पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले निःशुल्क वैक्सीन कार्यक्रम में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए और सरकार की इस मुहिम में अपना योगदान देकर के देश को सुरक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो कोविशील्ड कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक फाइव है बाद में भी आया हुआ है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले ही जो है आ चुका है जिसका की प्रयोग व्यापक स्तर पर विभिन्न शहरों में सरकार के द्वारा निःशुल्क चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक फाइव ये तीन प्रकार के जो है वैक्सीन के डेवलपर, उसके टाइप, उसके इफेक्टिवनेस इत्यादि के बारे में जो हम लोगों ने देखा, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है अभी तक स्पुतनिक फाइव है जो कि रूस के द्वारा विकसित किया गया और भारत में रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा इसको जो विकसित किया जा रहा है। अभी इसके बारे में कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि कोरोना के लिए कोविड-19, ये तो हम लोग पहले ही न्यूज चैनल अखबार में देख चुके हैं कि जो है कोरोना से संबंधित जो है कोरोना वायरस डिजीज, इन शब्दों को मिलाकर के इसको कोविड-60 में बना दिया गया है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होगा कोरोना वायरस डिजीज है 19, यानी कि 2019 में ये डिटेक्ट हुआ था जिसके कारण से पूरी जो बीमारी को कोविड-19 दे दिया गया है। बेसिकली सबसे पहले चीन के वुहान शहर में जो है ये हुआ, तो इस तरीके से चीन के वुहान शहर से जो है पूरी दुनिया में जो है फैल गया। तो एक फैक्ट ये भी है वुहान सिटी जो है और इसका फुल फॉर्म ये जो है। दूसरी बात यह है कि ये जूनोटिक और सार्स श्रेणी का जो है ये बीमारी है, कोरोना वायरस जो बीमारी है वो सार्स और जो है जूनोटिक प्रकार का। जूनोटिक का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा डिजीज जो है जो कि किसी प्रकार के वायरस, चाहे वो जीवाणु हो चाहे विषाणु हो, जो भी चीजें हैं वो पशुओं से या जानवरों से जो है लोगों में जो फैलता है, ऐसे बीमारी को जूनोटिक कहा जाता है। और इसके संदर्भ में भी ये बातें हैं कि ये चमगादड़ से जो है ये फैला हुआ जो है रोग है। तो इस तरीके से जो है ये जो कोरोना वायरस डिजीज है बेसिकली ये जूनोटिक प्रकार का जो है सार्स श्रेणी से जुड़ा हुआ है। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो सार्स में जो है सार्स का पूरा नाम है, सार्स का जो पूरा नाम है वो बेसिकली क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी का मतलब जो है जो श्वसन तंत्र से जो है जुड़ा हुआ चीज होता है, सांस लेने में इसमें तकलीफ भी होती है, बेसिकली इसके लक्षण भी है, परीक्षा में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो तीन जो महत्वपूर्ण अभी तक लक्षण तो बहुत इसमें बनते रहते हैं, लेकिन जो तीन लक्षण अभी तक जो सामने आए हैं वो बेसिकली यही रहे हैं कि इसमें जो है बुखार होता है और जुकाम और सांस लेने में समस्या होती है, तीन लक्षण इसके इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर कुछ और भी ऐसे लक्षण आते जो इससे नहीं है तो वो आप कूट में उसको हटा देंगे जो है। तो ये इसके लक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बीमारी जो है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसके लिए भारत में जो अभी प्रयास किया जा रहा है मेडिकल स्तर पर, तो इसके टेस्ट के लिए जो है एक तकनीक यहाँ पे RT-PCR को जो है डेवलप किया गया है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसे रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो है संबंधित उसकी एक लैब टेक्निक है जो कि पॉलीमरेज चेन सिस्टम पर जो आधारित होता है, और इसके माध्यम से जो है किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के जो पॉजिटिव होने को डिटेक्ट किया जाता है, उसकी पहचान को सुनिश्चित किया जाता है, ये एक टेक्निक है। तो इसको RT-PCR कहा जाता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कहा जाता है। अभी एक और टेक्निक जो इस दौरान
काफी कुछ जो है प्रचलन में थी, यद्यपि इस पर लगातार जो है अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं मेडिकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी आया हुआ है, लेकिन फिर भी उस तकनीक को जान लेना जरूरी है। ये बात और है कि वो कोरोना वायरस को समाप्त करने में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये एक अलग विषय है। परंतु हम उस तकनीक को, उस विधा को समझ लेते हैं कि जिसको प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है, जो इस दौरान काफी कुछ चर्चा में रहा है। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये होता है कि एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य, यदि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से जो पॉजिटिव हुआ है और वो उस बीमारी से लड़ने में अगर सफल हो गया है, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर एंटीबॉडी विकसित हुई है। एंटीबॉडी उसके अंतर्गत जो है वो विकसित हुई है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। और जब इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है तो उसका इम्यून सेल्स जो होता है वो प्रोटीन को रिप्रोड्यूस करता है, जो उसके प्लाज्मा में पाया जाता है। अर्थात उस व्यक्ति में जो कि सही हो चुका है, उसके प्लाज्मा को अगर दूसरे व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो अभी उससे लड़ने में जो है सक्षम हो जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, जिससे उसको बचाया जाना संभव हो पाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के आधार पर प्लाज्मा थेरेपी काम करता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने RT-PCR प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 SARS और जूनोटिक प्रकार की जो है चीज़ों को देखा। बेसिकली इससे निपटने के लिए भारत में जो अभी तक जो अधिनियम थे वो महामारी अधिनियम 1897 था, जिसके द्वारा इस अधिनियम को जो है रोकने के लिए जो प्रयास किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार को कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं, कुछ चीज़ों को वो प्रतिबंधित कर सकता है और कुछ चीज़ों को अनुमति दे सकता है, और इसको आपदा के रूप में भी जो है घोषित करने की बात की जा रही थी। ये प्रकार का आपदा ही था जिससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, ये और वित्तीय संकट काल को भी घोषित करने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ जो है नहीं किया गया। और इसके लिए जो है अगर एक अधिनियम की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 इससे जो संबंधित है, आपदा अधिनियम 2005 इससे जो है संबंधित देखा गया है। तो कुल मिलाकर के आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक जो तीनों प्रकार के वैक्सीन हैं, इसके डेवलपर और इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, इसके प्रकार के बारे में देखा, और कुछ अन्य फैक्ट एंड फिगर्स को भी जो है हम लोगों ने लाने का जो है यहाँ पे प्रयास किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में एक हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।